आपने गाली दिया मोदी को, आप एक भी वीडियो दिखाइए जरा गाली की, मुकदमा कर दूंगी आप पर मानहानि का, ध्यान रखना। मोदी जी खुद कह रहे हैं आप मानहानि का, ये धरती माफी लिखने वालों की नहीं है, माफी मांगने वाले लोगों की नहीं है। शर्म नहीं आती आपको क्या? आप थे वहाँ, तो इसका मतलब आप व्यूज लेना है बस। आपको पता नहीं है रात को डंडे बजाए थे उस दिन भी, आपको नहीं पता इस बात का, तो इसका मतलब कितनी बड़ी घटना थी वो पूरे देश ने देखी। रात को 2 बजे पुलिस ने वो हाहाकार मंजर मचाया उन बेटियों के सामने, और आप कह रहे हैं बड़ी घटना नहीं थी। और सबसे बुरा नजारा जो था कल संसद का, शायद आप लोगों ने देखा हो। दिल्ली के बॉर्डर दोबारा से बंद होंगे, बिल्कुल बंद होंगे, लोकतंत्र है देश में। या मैं इसको ये मान लूं कि अघोषित आपातकाल, या मैं मान लूं इसको। सवाल का आपके जवाब बड़ी शांति से देना चाहूंगी कि इतिहास में प्रधान सेवक जो भी काम करते हैं, जब से वो आए हुए हैं, उनको इतिहास में दर्ज किया जाता है। और ये भी इतिहास में दर्ज होंगी चीजें कि एक नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, और देश में मेडल लाने वाली जो बेटियां थी उन पर, उनके चेहरे पर जूते रखवा रहे थे प्रधान सेवक की पुलिसें, उनको डंडा मार रहे थे। और 1.25 महीने से वो लोग आंदोलन कर रही थी, ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां और खिलाड़ी सभी, और उनका समर्थन करने के लिए गए किसान और किसान नेता और सभी कांग्रेस के नेताओं को, किसी को हाउस अरेस्ट किया, किसी को ऑफिस अरेस्ट किया, किसी को रास्ते में से गिरफ्तार किया, किसी को कहीं से गिरफ्तार किया। उसी गिरफ्तारी के सभी नेता शिकार हुए हैं कांग्रेस के, और किसानों के जो नेता हैं वो शिकार हुए हैं। और ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था, और भूमि पूजन हुआ था तो उसमें उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। ये प्रथम संविधान का जो प्रथम नागरिक है, जो हमारे लोकतंत्र का प्रथम नागरिक, संविधान में जो प्रथम नागरिकता दी गई है, ये उनका अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और ये सभी चीजें इतिहास में दर्ज होंगी कि जो प्रधान सेवक है वो अपने अहंकार में, वो अपने घमंड में, वो गुरूर में अपने इतने ज्यादा मगरूर हो गए कि ना उनको उन बेटियों की हालत दिखी, और वो संसद का उद्घाटन करने प्रधान सेवक पासी में आए और उन पुलिस वालों से उनका धरना खत्म करवाया, और धरने का सामान जो था उसे डीसीएम में भर के ले गए। और बेटियों की जो हालत थी, वो जो मंजर, पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं, क्योंकि कल वो एक ऐसा दिन था जिस दिन संसद का इन्होंने उद्घाटन किया, तो पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजरें कल हिंदुस्तान पर थी। और एक प्रधान सेवक हमारे क्या कर रहे थे ये देश ने देखा, ये बेटियों के साथ क्या कर रहे उन्होंने देखा, ये जनता को कितना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, नया इतिहास रचा गया है कि एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ प्रधान सेवक की पुलिस महिला खिलाड़ियों पर जूते मार रही है, लठ मार रही है। राष्ट्र बनने की तैयारी चल रही है, आप लोग बाधा डाल रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके मेरे से मुद्दे की बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी महोदय, वरना नहीं दूंगी। मैं कोई आपकी बंधुआ नहीं हूँ, आप मेरे से मुद्दे की बात कीजिए। आप मेरी देखिए, आप ये पहले जाकर के पूछ के आना जिन्होंने संसद में बैनर लगाया है कि अखंड भारत का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, अखंड भारत का दूसरी मतलब आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछ रहे जिन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। दूसरी बात, यहाँ हम बात कर रहे हैं मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप, मैं मुद्दों पर बात करूंगी जो कल देश में हुआ। आप वो बात कीजिए, बेरोजगारी पर मेरे से बात कीजिए, शिक्षा पर मेरे से बात कीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर मेरे से बात कीजिए, और सबसे बुरा नजारा जो था कल संसद का, शायद आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने शायद देखा हो कि जितने इनकी पार्टी में मुलजिम है, यानी कि ब्रजभूषण हो या फिर आशीष मिश्रा का पिता हो, टैनी मिश्रा, सभी को इन्होंने संसद में बुलाया, लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। और आपने देखा उनको प्रधान सेवक को, सुनिए, प्रधान सेवक को दंडवत होते हुए पूरे वर्ल्ड ने देखा, किस चीज के सामने वो यार, बोलने तो यार पहले क्या बोल, मैं बोल लूं कुछ, मैं बोल लूं, या तो आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए तब मैं आपकी सुनूंगी। दूसरी बात, जब कल ये सारे देश ने देखा जो मंजर था, या तो आप पुरानी बातों को बात में कर लीजिए, ठीक, पुराने जमाने की बातें कर लेंगे तो सारी चीजें निकलेंगी कि क्या कांग्रेस ने बनाई क्या नहीं बनाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात, जो प्रधान सेवक ने कल किया, और इसको, इस व्यक्ति को संसद में बुला करके, नई संसद के उद्घाटन में
ब्रजभूषण जी को बुला करके ये साबित कर दिया कि ये लोग जो हैं जो बेटियों के हरेशमेंट करते हैं, बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, ये उनके साथ में ये इन्होंने साबित कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने साबित कर दिया कि ये दंडवत हो रहे थे सगरोल के सामने। राजतंत्र, राजतंत्र का प्रतीक होता है, ये सबको पता है। और इन्होंने, इनकी मंशाएं क्या है, इनकी जो अंदर मन में चलता है कि इनका चित्र और चरित्र और इनका दिमाग, इनका संगीन दिमाग, ये क्या करना चाहते हैं जनता के साथ में, इन्होंने दंडवत प्रणाम करके देश के प्रधान सेवक ने बता दिया है। पूनम जी, क्या लगता है धरना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, और मजबूती से होगा। जंतर मंतर को इजाजत नहीं मिलने वाली है। आपने देखा था किसानों का जब आंदोलन हो रहा था, रात को इन्होंने झूठ बोल बोल करके किसानों को हटाने की कोशिश करी थी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर, और इन्होंने बुजुर्गों पे डंडे बजाए थे, लठ बजाए थे। उसके बाद धरने की जो रूपरेखा थी वो क्या थी, वो पूरे देश ने देखी। राष्ट्रपति को मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है क्या उन्होंने, उनको बेशक आपत्ति नहीं है, वो अकेली देश की राष्ट्रपति है, हमारे देश की है। और उससे भी ज्यादा विपक्ष का भी हक बनता है कि अगर किसी भी संविधान के पद का अपमान होता है तो वो संविधान का अपमान है। और वो संविधान का अपमान जो है, हमें इस बात से तकलीफ है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन करे सारे जो है भौंकने लगे हैं। दिल्ली के बॉर्डर दोबारा से बंद होंगे? बिल्कुल बंद होंगे, क्योंकि कल पंचायत भी होना है हरियाणा के अंदर में। बिल्कुल होगा। और मैं कहना चाहूंगी उन बेटियों से भी, मैं उस दिन गई थी जंतर मंतर पर, मैं उस दिन भी वहीं पे यही कह करके आई थी कि आप भूलना मत इस बात को कि किसान आंदोलन को किस तरह से स्थगित करा दिया गया था। 700 किसानों की शहादतें हुई, अभी तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला, एमएसपी लागू नहीं हुई। नियम और नियति आप अपनी रखना और निर्णय भी आप अपना रखना, चाहे कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई किसान नेता हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, आप सिर्फ आदेश करना, आप किसी के आदेशों पर मत चलना, मैं यही बोलूंगी। कांग्रेस पार्टी आगे क्या स्टेप लेगी इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पर आपको पता नहीं है, कांग्रेस के सभी नेताओं को अरेस्ट किया गया। जब दिल्ली पे हम लोग दिल्ली पे आ रहे थे, दिल्ली में जंतर मंतर पर आ रहे थे, किसी को हाउस अरेस्ट, किसी को ऑफिस अरेस्ट, किसी को सड़क पर अरेस्ट, किसी को सड़क पर बैरिकेड लगा दिया गया, सभी को। और महिला कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया था, ऐसा नहीं है। तो हम लोग, आपकी बात पूरी हो गई है, आपकी हो गई। बागेश्वर धाम ने कहा कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए आप उनके, ये उनका सवाल है, उनसे जवाब लेना। क्या मैं उनके जैसी दिखती हूँ? नहीं ना। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। देखिए अगर एक बेटी जाने का कोई गुनाह है, इस बात को फांसी दोगे? शांति रखिए, क्यों पूछा जाएगा, मैं अपने जवाब दूंगी। विनेश फोगाट जो है, उन्होंने अगर ये बोला है, ये गंभीर विषय है। आप इस बात, देखिए जो दोनों पत्रकार सामने खड़े हैं, मैं इनको बोलूंगी हिंदू मुस्लिम से बाहर निकले, देश की बातें दिखाएं, बहुत जरूरी है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। देश का तमाम मीडिया बैठा हुआ है, शांति रखिए। दूसरी बात, विनेश फोगाट अगर इस बात को कह रही है तो इस बात को आप हंसी मजाक में मत लीजिए, बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लीजिए। पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं उनका, पीछा भी कर रहे हैं, मैंने वो भी तस्वीर देखी कि जूता रखा हुआ है साक्षी मलिक के यहाँ पर और उसको भीचा गया और उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, सब देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। दूसरी बात, इस बात को आप गंभीर विषय समझिए, क्योंकि एक देश की वो बेटी जिसको ये कहते थे कि विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है, तू तो मेरे परिवार की बेटी है, आज उसी बेटी पर प्रधान सेवक अपनी पुलिस से डंडे भजवा रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राजतंत्र का प्रतीक को लेकर उसके सामने दंडवत हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, आप इस विषय के बारे में सोचिए। किसान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे डटे रहेंगे पहलवानों के समर्थन में, अब कहां चले गए? नहीं नहीं, सब लोग जो है एक ही कल की बात है। अब हम कोई भी आंदोलन अगर करते हैं तो उसकी नीति बनानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सभ्यता से, शांति से, अहिंसा से आंदोलन चलते हैं। तो किसान संगठनों में, किसान लोगों में, बेटियों में, खिलाड़ियों में, विपक्ष में, सब जो है अपने अपने हिसाब से नीतियां बना रहे हैं। आंदोलन होगा, सत्ता पक्ष कह रहा था कल ही का दिन मिला था आप लोगों को प्रदर्शन करने के लिए। देखिए सत्ता पक्ष की छोड़ दीजिए, क्या सत्ता पक्ष को कल का ही दिन मिला था कि सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन करते हैं? क्या उनको कल का ही दिन मिला था? अब उनको बेटियों को पता था कि आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो फिर आज ही हमारा उनसे मुलाकात हो जाएगा। और किस तरह से तिरंगे को लेकर के वो बेटियां चल रही थी और तिरंगे को ये प्रधान सेवक की जो पुलिस है किस तरीके से नीचे गिरा रही थी, ये भी आप देखिए। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर जी, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है पहलवानों पर। हाँ जी, क्यों? अगर देश की बेटी मार्च निकाल रही है, कोई मार्च निकाल रही है, तो क्यों नहीं? क्या दिक्कत क्या है? क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र है देश में,
या मैं इसको ये मान लूं कि अघोषित आपातकाल, या मैं मान लूं इसको, अगर इस लोकतंत्र में है तो सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। आपका मकसद था कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी किया जाए देश का, आप लोग वही कर रहे हैं। अब उनका क्या मकसद था कि वो बेटियों से डंडे बजवा रहे हैं, बेटियों में डंडे बजवा रहे हैं अपनी पुलिस से, बेटियां धरने पर बैठी है, उनको प्रताड़ित करवा रहे हैं, कभी उनके धक्का लगाते हैं उनकी, उनके पुलिस के लोग कभी कुछ करते हैं, उनका क्या मंशा था? आप अगर उनके प्रवक्ता हैं तो मुझे बताइए क्या मंशा थी? क्यों बैठे हुए, क्यों कभी डंडा बजाया? क्यों क्यों बजाया नहीं आपने? देखा नहीं रात को? क्यों रात को नहीं देखा आपने? जिस दिन बारिश पड़ी थी तो उनको जो है फट्टे देने के लिए आया था कि तख्तों पे सो जाएंगी बेटियां, आपको पता नहीं है रात को डंडे बजाए थे उस दिन भी? आपको नहीं पता इस बात का? तो इसका मतलब कितनी बड़ी घटना थी, वो पूरे देश ने देखी, रात को 2 बजे पुलिस ने वो हाहाकार मंजर मचाया उन बेटियों के सामने, और आप कह रहे हैं बड़ी घटना नहीं थी? शर्म नहीं आती आपको क्या? आप थे वहां? तो इसका मतलब आप व्यूज लेना है, बस बस आपका मतलब व्यूज से है? आपको नहीं पता 2 बजे उस दिन क्या हुआ था? पूरे देश ने देखा था, देश के तमाम 19 पक्ष पत्रकारों ने हर आवाज को उठाया था बेटियों की, आप नहीं थे वहां पर? बैरिकेड तोड़ने की क्या जरूरत थी ये कह रहे हैं? बैरिकेड लगाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी अगर बेटियां मार्च निकालना चाह रही हैं? लोकतंत्र देश है ये, संविधान है, इसमें परमिशन, अगर कोई परमिशन इनसे मांगता है, ये तो कहीं पंचायत करने की परमिशन नहीं दे रहे, विपक्ष को नहीं दे रहे, किसान नेताओं को नहीं दे रहे, किसानों को नहीं दे रहे, पहलवानों को नहीं दे रहे परमिशन, क्यों? ये अघोषित आपातकाल है क्या देश में? किसको कहते हैं अघोषित? अघोषित आपातकाल किसे कहते हैं? आप ही मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। हम परमिशन मांगेंगे तो हम जगह देंगे। क्यों क्यों नहीं दी थी? उस दिन भी जगह दी थी ना, जब रात को 2 बजे पुलिस लठ बजा रही थी और एक महिला पहलवान के सीने पर धक्का मार के गिरा रही थी, उस दिन भी परमिशन थी ना? परमिशन से ही हुए थे ना इनके सारे काम ये? तो ये दंगा भड़काने के आरोप लगाकर जो FIR हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बोलूंगी कि इस देश में किसी के घर में लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन इस देश में जो है लोकतंत्र है, संविधान है, अगर किसी को इस देश में अपनी आवाज उठाने का हक है तो ये संविधान हक देता है। और ये आवाज जो है, ये क्या सोच रहे हैं ये सब करने से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये उस देश और उस खून और उस मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिन्होंने तानाशाह को हरा करके देश को आजाद कराया था। ये धरती माफी लिखने वालों की नहीं है, माफी मांगने वाले लोगों की नहीं है, ये ब्रिटिशों से पेंशन लेने वाले लोगों की धरती नहीं है, ये धरती शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, अशफाकुल्ला खां, ये उनकी धरती है, अंबेडकर जी की धरती है, झांसी की रानी की धरती है, ये माफी मांगने वाले लोगों की धरती नहीं है। मैंने बता दिया, माफी मांगने वाले लोगों की धरती नहीं है। प्रधानमंत्री कल फूल चढ़ा रहे थे, प्रधानमंत्री करीब कल फूल चढ़ा रहे थे, ये उनकी अपनी मंशा है। और ये समझनी होगी जनता को कि जिस देश के इतने बड़े प्रधान सेवक, ठीक, इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति एक राजतंत्र के प्रतीक के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उनका आप मन समझ लीजिए कि वो जनता को और तुम तमाम मीडिया वालों को और इस देश की एक एक जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, कि उनकी मनसा क्या है, उनका चित्र और चरित्र क्या है, कि वो कितने राजतंत्र को फॉलो करते हैं और कितने लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, ये उनकी मनसा है। बोले साधु संतों को सम्मान दिए प्रधानमंत्री, इससे पहले नहीं मिल रहा था। अच्छी बात है, सबका सम्मान हो रहा था, तभी साधु संत अभी तक जो हमारे सनातन संस्कृति है वो बची हुई आ रही है, उनका सम्मान था देश में, है, सदा रहेगा, इसीलिए भारत की सनातन संस्कृति अभी तक बची हुई है और हमेशा रहेगा, समझ में? पार्लियामेंट जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि तभी तो जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पार्लियामेंट तो जाना पड़ेगा, अभी हम जैसे लोग नहीं जाएंगे भैया, तो कौन जाएंगे? आप कैसे जाएंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम है अपनी बात को रखने, वहाँ जो बैठे हुए हैं प्रधान सेवक जो है वो हमारे वोट से बैठे हुए हैं, तो हम उस हक से जाएंगे कि हमने उनको वोट दिया है और उनसे सवाल पूछने जाएंगे। आप एक भी वीडियो दिखाइए जरा गाली की, मुकदमा कर दूंगी आप पर, मानहानि का ध्यान रखना। मोदी जी खुद कह रहे हैं आप मानहानि का, क्या आपको आपको ने? ये बोला मोदी जी ने कि पूनम पंडित ने मुझे गाली दिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि पूनम पंडित, आप कैसे कह रहे हैं? आप लोग नहीं बोले, आपने बोला आप लोग। और दूसरी बात, देश के प्रधान सेवक को देखिए कितना समय है, 99 गाली दिया, 94 दिया, 95 दिया, 96 दिया, उनके पास इन चीजों की फुर्सत है, लेकिन जंतर मंतर पर बैठी वो बेटियां, उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं है कि वो उनकी बातें सुन ले, तो आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि देश के प्रधान सेवक को कितना समय है।